नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे पड़ाव चौराहे से लेकर रामनगर तक बनने वाले 4 लेन सड़क परियोजना को। फिलहाल आप ये दृश्य देख रहे हैं, सामने में ही राजघाट पुल है जो वाराणसी और पड़ाव को आपस में जोड़ता है और आगे सीधे निकल जाता है मुगल सराय के लिए, क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के लिए। ये आप देख रहे हैं, ये है राजघाट पुल और इस तरफ आप देखेंगे तो ये है नमो घाट। फिलहाल गंगा के जल स्तर में यहाँ पर कमी आपको दिखाई देगी। आज तारीख की बात करूँ दोस्तों तो आज है 1 अगस्त और दिन है मंगलवार का। तो वीडियो में अंत तक के बने रहिएगा और देखिए पड़ाव से लेकर रामनगर तक बनने वाले 4 लेन सड़क परियोजना को। इस तरफ आप देखेंगे तो ये पूरा सामने की तरफ आपका नमो घाट। चलिए इस राजघाट पुल से आगे ही आपका पड़ाव चौराहा है और उस चौराहे से वीडियो की शुरुआत करते हैं। करीब 8 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग में 4 लेन सड़क बनाया जा रहा है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी सड़कों के बारे में बताया है कि बनारस में कौन कौन से सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है और उसमें से एक ये भी है पड़ाव से लेकर रामनगर तक। आगे भी मैं आपको और भी लेटेस्ट अपडेट दूंगा सड़कों के माध्यम से किस प्रकार जाल बिछाया जा रहा है चारों तरफ बनारस को जोड़ने वाले सड़क या तो 4 लेन या फिर 6 लेन में बदले जा रहे हैं। आगे में ही पड़ाव चौराहा है और सीधा अगर जाना हो तो हम सीधे आपका मुगल सराय के लिए भी निकल जाएंगे और उस मार्ग का भी निर्माण कार्य चल रहा है, 6 लेन बनाया जा रहा है, उसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों बनारस के अंदर भी जितने भी सड़कें हैं सब काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। ये आप रोड के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, रामनगर करीब 5 किलोमीटर यहाँ से पड़ाव चौराहे से है, जबकि आपका पूरा ये हाईवे तक रोड बन रही है जो कि करीब 8 किलोमीटर लंबा करीब है। ये आप आगे ही देखेंगे, सामने करीब 8 किलोमीटर लंबा मुगल सराय है और हमको यहाँ से इस चौराहे से दाएं तरफ चलना है रामनगर के लिए। ये आपका पड़ाव चौराहा है। फिलहाल इस चौराहे का दृश्य आप देख रहे हैं किस प्रकार अभी वर्तमान स्थिति है, लेकिन बहुत ही जल्द इस चौराहे की भी सूरत बदलेगी। काफ़ी ज़बरदस्त जाम लगता है इस मार्ग में। अब दोस्तों यहाँ से पड़ाव शुरू हो चुका है। यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो किनारे की तरफ आपका गिट्टी बिछाने का भी काम करीब करीब यहाँ आपको दिखाई देगा।
जैसा कि आप देख रहे हैं चौराहे से ही काम शुरू हो चुका है और आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, आगे में काफ़ी तेज गति से काम चल रहा है। और ये आपका अंडरपास है, ऊपर से रेलवे और नीचे जो है सड़क मार्ग। यहाँ काफ़ी अभी फ़िलहाल ये लेट होगा क्योंकि जो भी टाइम लगना है इस अंडरपास में ही लगना है। और ये अंडर पास के आगे का दृश्य है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ गिट्टी डालकर फिलहाल यहाँ भी काम शुरू हो चुका है। लेकिन नालियों का निर्माण कार्य इस तरफ अभी शुरू नहीं है। जगह जगह आप देख रहे हैं रोलर के माध्यम से गिट्टी बिछा कर समतल किया जा रहा है। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ काफ़ी अभी काम बाकी है, लेकिन फिर भी काम शुरू हो चुका है। जैसे ये सब भवन आपका तोड़े जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी फिलहाल किस प्रकार की स्थिति है सड़क निर्माण में। आज तारीख जैसा कि मैंने आपको बताया 1 अगस्त और दिन मंगलवार का, काफ़ी धूल भरा अभी ये सड़क मार्ग है क्योंकि निर्माण कार्य के चलते यहाँ काफ़ी डस्ट उड़ रहा है। इस तरह देखेंगे तो ये पाइपलाइन बिछाया जाएगा क्योंकि ये सर्विस आपका रोड है, दोनों तरफ सर्विस पाइपलाइन बिछाई जाएगी, दो दो नालियां बनाई जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों तरफ यहाँ पर नालियों का निर्माण कार्य कहीं कहीं हो चुका है पूरा और कहीं कहीं चल रहा है।
खास कर देखेंगे तो PSC तिराहा के पास, वहाँ तक काफ़ी तेज़ गति से काम चल रहा है और उसके आगे थोड़ा सा काम में धीमी गति से शुरुआत है। और इस तरफ आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी चौड़ा रोड भी आपको दिखाई देगा। अभी पेड़ अभी यहाँ पर कटने बाकी है। देख रहे हैं ये भी आपका द्वार जैसा बना है, ये भी टूटेगा यहाँ पर। फिलहाल ये देख रहे हैं ये है PSC तिराहा। यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो ये नाली कुछ इस प्रकार नाली बन रही है और ये है आपका रामनगर PSC तिराहा। फिर भी इस प्रोजेक्ट में अभी फ़िलहाल थोड़ा देर होगा, इधर देखेंगे तो यहाँ पर पेड़ों की कटाई मैं आपको पास से दिखाऊं। यहाँ देख रहे हैं ये रामनगर PSC तिराहे के पास इस प्रकार का भी काम चल रहा है। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं आपको लेके। PSC तिराहे के पास भी आप देखेंगे तो ये नालियों का निर्माण यहाँ शुरू हुआ है, यानी कि काम में थोड़ा सा यहाँ पर तेज़ी मुझे दिखाई दे रही है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये आपका नाली का निर्माण कार्य चल रहा है
और इस तरफ आप देखेंगे तो ये पूरी आगे की तरफ दो दो नालियां बनाई जा रही हैं। पहले इधर काम शुरू नहीं हुआ था, लेकिन अब इस तरफ पेड़ों की कटाई का काम शुरू हुआ है। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कितना काम हुआ है और कहां तक हुआ है, पड़ाव से लेकर रामनगर चौराहे तक कितना काम चल रहा है। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।